अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ ईशा उस्मान, आई एम ए कंप्यूटर साइंस टीचर। जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, आज हम लेक्चर नंबर 2 नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर हम टॉपिक का टाइटल देखें, नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पेश आई, कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पेश आई या हम इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है फाइल शेयरिंग। हम लोग नेटवर्क को यूज करते हुए फाइल शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल जो आप लोगों की बुक में डिस्कस हुई भी है वो ये है कि अगर आप लोगों ने बाईसिंग के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो हम लोगों को डेट शीट चाहिए होती है, तो बोर्ड वाले क्या करते हैं, वो डेट शीट इंटरनेट यूज करते हुए हमारे साथ शेयर कर देते हैं नेटवर्क पे। तो फिर हम लोगों को पर्सन बाय पर्सन जाके बोर्ड वालों से अपनी रोल नंबर स्लिप या अपनी डेट शीट नहीं लेनी पड़ती। हम क्या करते हैं, सिंपली इंटरनेट यूज करते हुए उस फाइल को ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर लेते हैं और अपने जितना भी हमें डाटा चाहिए होता है वो हम लोग ले सकते हैं इंटरनेट यूज करते हुए। इसका मतलब है कि फाइल शेयरिंग में क्या होता है, नेटवर्क हमें अलाउ करता है कि कोई भी यूजर नेटवर्क या इंटरनेट को यूज करते हुए अपनी फाइल जो है वो शेयर कर सके और हम इजीली उसे एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम लोगों को कहीं पे भी विजिट ना करना पड़े। सेकेंड वन, हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर हमें पता है क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट्स जिनको हम इजीली टच कर सकते हैं, जैसे हमारे पास प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, मॉनिटर स्क्रीन हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब है नेटवर्क पे ही रहते हुए हम हार्डवेयर को किस तरह शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक कंपनी है और मेरे पास उसमें 10 एम्प्लॉयज इस टाइम काम कर रहे हैं, मेरे पास 10 सिस्टम्स हैं लेकिन मेरे पास प्रिंटर जो है वो सिर्फ एक है। मेरे पास 10 परसन काम कर रहे हैं और मैंने उन 10 परसन को सिस्टम अपना अपना दे दिए, यानी कि उन सबके पास अपना अपना सिस्टम तो है लेकिन उन सबके पास प्रिंटर नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक प्रिंटर है। अब क्या करेंगे, 10 परसन इस एक प्रिंटर को शेयर करेंगे, जिसको जिस टाइम पे जरूरत हो वो इस प्रिंटर को एक्सेस कर ले, तो दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर शेयरिंग। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में यही डिस्कस की हुई है। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब होता है कि मेरे पास जितने सिस्टम्स हैं, ये जितने भी इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं एक कंपनी के अंदर, नहीं मैं उन्हें पूरे रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं दे पा रही। उस टाइम पर वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर शेयरिंग। द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या होता है कि एक सिंगल एप्लीकेशन एक से ज्यादा पर्सन यूज करें। अब मेरे पास एप्लीकेशन एक है लेकिन उसे यूज करने हैं मल्टीपल यूजर्स, इसकी मेन एग्जांपल है एटीएम। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऐसी मशीन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम एटीएम में जाते हैं तो एटीएम रूम में एक ही मशीन लगी होती है, एटीएम मशीन। पर्सन बाय पर्सन हर पर्सन उस मशीन को यूज कर सकता है, तो हमारे पास देखें एप्लीकेशन एक ही है लेकिन उसे मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन शेयरिंग। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट, यूजिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। एक ही इंटरनेट कनेक्शन मल्टीपल यूजर्स कैसे यूज करते हैं, इसकी एग्जाम्पल अगर हम अपने घरों से लें, आजकल हर घर में वाईफाई राउटर लगा होता है। अब वाईफाई राउटर एक ही होता है जो हमें सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, और हमने क्या किया होता है अपने घर में 10 से 12 मोबाइल या 10 से 12 डिवाइसेज उसके साथ कनेक्ट किए होते हैं। अब मुझे सिग्नल देने वाली एक ही डिवाइस है लेकिन मैंने उसे मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड यूजिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। एक ही इंटरनेट कनेक्शन है लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस उसे क्या कर रहे हैं, आपस में यूज कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट वन इज यूजर कम्युनिकेशन। यूजर कम्युनिकेशन का मतलब है हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जैसे मैंने डाटा सेंड करना है किसी अपने क्लाइंट को, तो अब मैंने क्या करना है, उससे कम्युनिकेट करना है, अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे यूजर कम्युनिकेशन,
यूजर कम्युनिकेशन बहुत से तरीकों से की जा सकती है, जैसे हम लोग ईमेल्स के थ्रू अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग्स कर सकते हैं, जैसे आजकल आप लोगों को पता है इंटरनेट का दौर है, हम लोग क्या करते हैं बहुत से बिजनेसेस ऑनलाइन रन करें, इस टाइम पे अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग हम लोग इंटरनेट को यूज करते हुए भी कर सकते हैं, जिसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। जैसे मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ, मेरे अंदर 10-12 एम्प्लॉयज हैं, तो मैंने क्या करना है, वीडियो कॉल, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, वीडियो कॉल मैंने किया और मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज को अपने इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं। तो मैंने क्या किया, अब मेरे एम्प्लॉयज अलग अलग जगहों पर बैठे, हो सकता है वो अलग अलग सिटीज में बैठे हैं, तो मैंने क्या किया है, एक ही नेटवर्क को यूज करते हुए उन सबके साथ कम्युनिकेशन कर लिया, दिस इज कॉल्ड यूजर कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप लोगों के न्यूज़ ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखें तो न्यूज़ के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। लास्ट वन, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। सबसे पहले समझते हैं स्टोरेज क्या होती है, कैपेसिटी टू स्टोर डाटा। हमारी कंप्यूटर या हमारे डिवाइसेस में कितनी कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने की, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है मैंने अपने डिवाइस की स्टोरेज को इंक्रीज करना है। अब वो मैं कैसे कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, इसे मैं कह देती हूँ D1, और एक मेरे पास और डिवाइस है, इसे मैं कह देती हूँ D2। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। अगर मैं एक ही नेटवर्क में इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देती हूँ तो क्या होगा, वो कंप्यूटर जिसकी स्टोरेज कम है वो उस दूसरे कंप्यूटर की स्टोरेज को या उस दूसरे कंप्यूटर की डिस्क को भी यूज कर सकता है अपना डाटा स्टोर करवाने के लिए, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। वो कंप्यूटर जिसकी स्टोरेज कम है वो दूसरे कंप्यूटर की डिस्क में भी अपना डाटा स्टोर करवा सकता है। जैसे मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, अब वो डिवाइस जो अपना डाटा अपनी स्टोरेज शेयर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्वर, आप इसे फाइल सर्वर भी कह सकते हैं, और वो डिवाइस जो इसकी डाटा इसकी स्टोरेज को यूज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। सिंपल वर्ड्स में सर्वर उसे कहते हैं, सर्वर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपनी स्टोरेज शेयर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड फाइल सर्वर, और वो डिवाइस जो इस स्टोरेज को यूज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।